आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज राजस्थानी ट्रेडिशनल हैंड फैन बनाएंगे, जिसको राजस्थानी भाषा में बिजनी कहते हैं। ये बिजनी पहले जब बिजली का आविष्कार नहीं होता गांवों में, और अभी भी उसकी बहुत जरूरत पड़ती है जब हमारे घरों में लाइट चल जाती है, तो ये जो बिजनी होती है अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। इसको हम क्रिएटिविटी से बनाएंगे, आज आर्टिस्टिक बनाएंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं अभी यहाँ पे तीन तरह की बिजनी रखी हुई है। एक ट्रेडिशनल तरीका ये है, एक आप इसमें ड्राइंग भी कर सकते हैं, एक इसको डेकोरेशन का दूसरा तरीका है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं ट्रेडिशनल बिजनी बनाना। हमें चाहिए एक प्लेट, जो कि आपको हमने कल बता दिया था, एक कार्डबोर्ड, एक स्टिक, एक रिबन चौड़ा वाला, फैब्रिक ग्लू पेस्ट करने के लिए, चिपकाने के लिए, कैंची और मार्कर और कुछ डेकोरेटिव का सामान, जैसे कि ये लेस है, गोटा है, मिरर है। तो आज हम पहले दिन कैसे बनाते हैं बिजनी को वो हम शुरू करेंगे, कैसे बनाना है। फिर कल हम इसको डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन के लिए आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो आपके पास सामान उपलब्ध है डेकोरेशन करने के लिए, गोटा या ये उनके क्या बोलते हैं, पिंग पॉन्ग या मिरर, या आप इसमें कोई अच्छी सी पेंटिंग भी बना सकते हैं फ्लावर्स की, लोटस की, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था, मैंने इसमें कृष्ण बना रखा था। और इसमें जब हम लोग गांव में देखते हैं कि इसको रिबन से और पुरानी कतरनों से गोटे से सजाते हैं, और ये मंदिरों में अभी भी काम में आती है भगवान जी के हवा करने के लिए गर्मियों में। और पुराने जमाने में जब राजा महाराजा करते थे, काम में लेते थे, तो वो लोग इसके अंदर इत्र की रुई में इत्र लगाकर इसको छुपा देते। जब इसमें हम हवा करेंगे ना ऐसे, तो इसमें खुशबूदार हवा निकलती है। ऐसा हम लोग भी करेंगे। अगर आप चाहें तो परफ्यूम लगा के आप सुगंधित हवा का आनंद ले सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं बिजनी बनाना। तो सबसे पहले हम कार्डबोर्ड से इसका बेस बनाएंगे। अभी मैं सब हटा देता हूँ, हमें जो चाहिए वो रखते हैं। एक हमें सबसे पहले चाहिए एक कार्डबोर्ड और एक प्लेट। इससे हम इसकी मार्किंग करेंगे, बिल्कुल राउंड सर्कल बनाना है। और इसको कट कर देना है। आप लोग भी शुरू हो सकते हैं बनाना। आपको जिस साइज की बिजली बनानी है आप उसके अकॉर्डिंग प्लेट ले सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग गत्ता भी ले सकते हैं, और छोटा बड़ा जैसा आपको बनाना हो बना सकते हैं। अभी मेरे पास इस साइज की प्लेट से बना रहा हूँ मैं। तो हम एक पहले सर्कल हमने कट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मार्किंग करके सीधी लाइन करके और इसको यहाँ से कट कर देना है। हमको पूरा हाफ सर्कल नहीं बनाना, कट नहीं करना है, इस तरीके से कट करना है। एक गोल सर्कल काटा, फिर इसको एक लाइन बनाकर थोड़ा सा हमने कट कर दिया, 1/4 से भी थोड़ा। स्टिक का बनाएंगे, स्टिक को कवर करने के लिए हम लेंगे सिल्वर कलर का गोटा और एक किरण या कुछ भी ले सकते हैं आप ऊपर लगाने के लिए, ये डेकोरेशन करने के लिए, ये वाला जैसे कि मैंने ये लिया है। कि आप एक तरीका ये भी है कि हम लोग कुछ आपके पास, आप अगर अब ये मैंने राखी, पुरानी राखी से निकाल के इसमें लगा दिया है, या फिर आप ऐसे ऊन से बनाकर भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टिक को डेकोरेट करेंगे।
हमने गम लगाया, इसके लिए मैंने फेविकोल काम में ले रहा। फैब्रिक ग्लू से ये फायदा होता है कि ये जल्दी अगर सूख भी जाता है, मतलब ये जल्दी सूखता है और अगर सूखने के बाद भी अपने निशान नहीं छोड़ता, ट्रांसप्लांट हो जाता है। और अगर हम लोग फैब्रिक को लेते हैं तो उसका थोड़ा थोड़ा निशान दिखता है। इस तरीके से सबसे ऊपर टॉप पर किरण को लपेट देना है अच्छी तरह। और इसके लास्ट कॉर्नर में ग्लू लगा के चिपका देना। ऐसा आप चाहे तो इसे धागे से भी बांध सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा धागा लिया और इसको लास्ट में बांध दिया। अब हम इस पर ग्लू लगाएंगे और जो हमारे पास गोटा है इससे इसको कवर कर देंगे। ग्लू हमको बहुत सारा लगाना है एक बार और इसको फैला देना है। और इसको घुमाते हुए पूरा कवर कर देना है। इस तरीके से हम सबसे पहले ये स्टिक इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसको हमको आज ही चिपकाना है। तो जब तक ये सूखेगा तब तक हम दूसरी तैयारी कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले हमने स्टिक बनाना शुरू किया है। और लास्ट कॉर्नर पे ग्लू लगा के इसको अच्छी तरह चिपका देंगे और एंड वाले पार्ट को कट कर देंगे। अब जब तक ये ग्लू सूखेगा हम लोग बेस बनाने की तैयारी करते हैं। ये हमने ऐसा स्टिक बनाया है। ये हम ये वाला पार्ट बना रहे हैं, हमने ये वाला बनाया है। अब हम लोग बेस बनाएंगे। हमने जो गत्ता काटा था उससे थोड़ा बड़ा हमको ऐसे नाप के आप देख सकते हैं, मतलब कि 3 इंच अपनी उंगली की नाप से इतना बड़ा हमको पेपर काटना है, हैंडमेड शीट से या आपके पास जो भी पेपर है। इस तरीके से मार्किंग कर लेना। आपको डबल फोल्ड करना है। ये पेपर लिया, इसको डबल फोल्ड किया ऐसा, फिर आपने गत्ता यहाँ पे रखना है, थोड़ा बड़ा करते हुए इसकी मार्किंग करनी है। और इसको कट कर देना है। ये हमने जो निशान बनाया था आपको ये ध्यान रखना है, एक आपको कट नहीं करना, यहां से कट नहीं करना है, केवल आपने जो बनाया था मार्किंग करी इसको कट करना है यहां से लेके यहां तक। ये हमने कट कर लिया है।
ये डबल साइड से कट हुआ है ऐसा, जैसे कि हम लोग कॉपी या किताब को बंद करते हैं वैसा करना है इसको डबल यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें गत्ता रखना है और ये स्टिक को रखना है ऐसा, इस तरीके से, और ऐसा बंद करेंगे यहाँ पर। और ये जो स्पेस दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये वाला, यहाँ पर हम रिबन से कवर करेंगे, ये चौड़ा रिबन होता है ऐसा वाला, इससे जैसे स्कर्ट होता है, स्कर्ट की जैसे हमको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे प्लेटें बनानी है और स्टेपलर से, और स्टेपलर करते जाना है इस तरीके से। देखिए ऐसे किया, फिर स्टेपल किया, फिर ऐसे किया, फिर स्टेपल किया, आपको ये प्लेट जो आप बना रहे हैं बिल्कुल बराबर बनानी है। तो इसके लिए आपका सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये उंगली, अपनी उंगली की मोटाई लें, इसको यूं फोल्ड करें और लास्ट कॉर्नर को यूं दबाएं और स्टेपल से पिन कर दें। ये काम बहुत धीरे धीरे करना है, जल्दीबाजी से नहीं करना। आज ही करना है। हमको ये नाप देखते जाना है कि हमने कितना बड़ा करना है, यहां से शुरू करना है इस कॉर्नर से, और इसको यहां पे लाते हुए लास्ट में एंड करना है, यहां तक करना है हमें। तो अभी मुझे और बनाना पड़ेगा। आपके पास जो भी रिबन है जिस वो ले सकते हैं, पर आप ध्यान रखना आपको रिबन की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आधा भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। यह एक लंबा कपड़े की पट्टी भी आप ले सकते हैं, ये साड़ी का फाल होता है, उसको डबल करके आप वो भी ले सकते हैं। आपको नापते जाना है कि आपने ज्यादा बड़ा नहीं कर दिया हो या ज्यादा कुछ, कितना और बनाना है इससे अंदाजा लग जाएगा। अभी हमें इतना और बनाना है,
इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। अभी थोड़ा होल बनाना पड़ेगा। गांवों में बिजलियाँ अभी भी काम में लाई जाती हैं। आप जब कभी बस में बिल देखते होंगे तो बिजली बेचने वाले आपको दिखाई देंगे। जो ग्रामीण लोग होते हैं जब शहर में आते हैं खरीदारी करने तो जरूर बिजली लेके जाते हैं। एक हमारा फेस्टिवल आता है गर्मियों में, तो उसमें भी बिजली एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं लोग। बिजली खजूर के पत्तों से भी बनाई जाती है, और कुछ लोग गांवों में कपड़े से और वहाँ पे जो अवेलेबल होता है उसको बोलते हैं सरकंडा, उससे भी बनाते हैं। और इसको अलग अलग तरीके से वो लोग सजाते हैं, कपड़ों की कतरनों से कोड़ियाँ लगा कर सजाते हैं, गोटे से सजाते हैं। आपने भगवान की फोटो में भी देखा होगा ना, वो पंखा झलते हुए खड़े रहते हैं पीछे। राजा महाराजों की पिक्चर में भी कई बार ऐसा होता है कि पंखे से हवा करते रहते हैं। तो इस बार आप लोग भी बनाइए, और आप इसको आजकल सजाने के काम में आता है, डाइनिंग रूम में इसको सजा के रखते हैं। तीन चार आप एक साथ बनाओ और इसको अभी थोड़ा हो रह गया। अब हमको गत्ते को पेस्ट करना है सबसे पहले, फिर हम रिबन को पेस्ट करेंगे, फिर हम दोनों इस वाले गत्ते को शीट को पेस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसमें डेकोरेशन करेंगे। ये आपको नापते रहना है बार बार में कि आप कितना कम पड़ रहा है या ज़्यादा हो गया। अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा बच गया। अब इसके बाद हमको एक्स्ट्रा जो रिबन है उसको कट करके ये देखिए इस तरीके से बनेगी प्लेट्स। कंप्लीट हो गया। यहां से इजीली नापते हैं। यहां से शुरू करना है हमें, यहां से शुरू करना है और ये घुमाते हुए इसको इस कॉर्नर पे एंड करना है। तो हम पहले नाप लेते हैं कितना हमें और चाहिए। यहां से हमने शुरू किया, यहां लगाया, यहां किया, यहां किया। अब इसको हम यहां से कट कर लेंगे। इस तरीके से तो अभी हमने तीन काम किए हैं। सबसे पहले हमने स्टिक बनाई है, फिर हमने गत्ता काटा है, एक हमने कवर करने के लिए शीट को काटा है, और हमने ये रिबन को स्कर्ट जैसा बनाया है। अब हम इसको पेस्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपका ये स्टिक पे लग नहीं रहा है तो आप इसको जोर से कसेंगे, दबाएंगे ऐसे, तो ये चिपक जाएगा, क्योंकि गम इसका जैसे जैसे सूखेगा तब टाइट होगा। तो पहले हम स्टिक को कवर करेंगे, स्टिक को पेस्ट करेंगे यहाँ पर। इस तरीके से करना है, तो हम गम लगाएंगे पहले। गम आपको गम यहाँ पे लगाना है, ये जो एरिया है इसके अंदर की साइड।
सिस्टी को ऐसे रखा, हल्का दबाना है और एक बार ऐसे कर देना है, बिल्कुल बराबर आना चाहिए ये वाला कोना। जी हम इसलिए मार्किंग कर रहे हैं कि हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमें गत्ता का पेस्ट करना है। इसके बाद हमें यूँ खोल कर इस गत्ते को यूँ चिपकाना है इस तरीके से, तो हम दोनों तरफ गत्ते के गम लगाएंगे। पहले हमने एक तरफ लगाया, इसको हमने यूँ पेस्ट किया, इसको दबाया, ये बेस हमारा बन गया है। अब इसके बाद हमें ये रिबन लगाना है, हम इसको खोलेंगे। अभी हमको यहाँ पर ग्लू नहीं लगाना है, पहले हम ये रिबन लगाएंगे। तो इसके दो तरीके हैं, आप स्टेपलर भी कर सकते हैं या ग्लू लगाकर इसको चिपका सकते हैं। दोनों तरीके से जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। हमने ये बेस लिया है, ये वाला जिसपे हमको रिबन लगाना है। तो मैं ग्लू से लगा रहा हूँ। थोड़ा इधर किस करना पड़ेगा। अब इस ग्लू को फैलाते हुए यहाँ पे हमें रिबन लगाना है। को ऐसे दबाना पड़ेगा ताकि चिपक जाए इजीली। इस तरीके से आप दबाते जाएंगे और चिपकाते जाएंगे। इधर ये सूख चुका है, देखो इसकी खासियत होती है जब भी सूखेगा ना तो दिखेगा नहीं, ट्रांसपेरेंट होता है ग्लू। इसको क्या बोलते हैं, फैब्रिक ग्लू, सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो इसमें नजर नहीं आता गंदगी सी। और जब हम फेविकोल लगाते हैं तो वो दिखता है। इसके बाद हमें इसको पेस्ट करना है ऐसे। तो आपका ऑलमोस्ट फैन कंप्लीट हो गया। अब इसका हमको डेकोरेशन करना है। इसको पहले हम गम से चिपका देंगे, ये वाला पार्ट भी। इसको बार बार में उठाना नहीं है क्योंकि अभी इसका ग्लू गीला है, तो इसलिए मैं हाथ में इसको उठा नहीं रहा ऐसा। और थोड़ी देर इसको दबा के रखना है। आप लोग कर रहे हैं क्या साथ में या देख रहे हैं? यस सर।
कर वेरी गुड। अब मैं थोड़ा वेट करूं, आप लोग कहां तक पहुंचे? रिबन वाली प्लेट्स बना रहे हो वेरी गुड। सर? मैं फैन का बेस बना रही हूँ। अच्छा, हम लोग देखते हैं, अभी करते हैं, फिर अगला वाला जो काम होगा वो हम कल, पहले आप देख लो कहाँ से को कितने स्टेप हमने पूरा करना है, फिर आप लोग बाद में ही आराम से कर सकते हैं। अब हम अगला स्टेप शुरू करते हैं, इसको डेकोरेशन करने के लिए जो आपके पास अवेलेबल है आप अपनी क्रिएटिविटी से भी इसको डेकोरेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको डेकोरेशन के लिए जो सामान आपके पास हो वो ले ले लें, या फिर मेरे पास, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, हमें एक लेस चाहिए, इससे हम यहाँ पे कवर करेंगे ऐसा, और गोटा चाहिए गोल्डन कलर का। मैंने प्लान किया है कि हम लोग ऐसे क्रॉस चेक चेक्स बनाएंगे गोल्डन गोटे से, फिर इसके बीच में हम मिरर चिपका देंगे, या फिर ये जो है पिंग पॉन्ग, इससे भी डेकोरेट कर सकते हैं, या अगर आपके पास ऐसी बूटियां हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। शुरू करें। सबसे यस सर। पहले हमें काट लेना है नाप करके, हमें कितनी लंबाई का चाहिए, को दोनों तरफ से घुमाते हुए हमने यहाँ पहले, हम सबसे पहले नीचे वाला लगा, सबसे पहले नीचे वाला नाप रहे हैं कि हमें यहाँ से लेते हुए और इसको घुमाना है यहाँ तक, तो हम इसको यहाँ पे कट कर लेंगे लास्ट कॉर्नर पे आके। पहले हम एक साथ पहले कट करेंगे ताकि हमें बाद में बार-बार में अगर हम उठाएंगे तो इसका गम निकलेगा, तो पहले हम एक साइड चिपकाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा साइड चिपकाएंगे, तो इस पर कट करके एक साथ रख लेते हैं। अब हमें सेंटर में लेना है, सेम ऐसी लंबाई के लिए हमने इसको पलटा है पीछे की तरफ, और ये इसका सेंटर है, हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब हमने इसका लास्ट कॉर्नर लिया, हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी जो बीच वाला गैप है इक्वल होना चाहिए सब तरह से, तो मेरे पास यहाँ पे तीन लाइन बन रही है, आप अपनी साइज के अकॉर्डिंग जितना आपने बनाया कट किया है छोटा बड़ा हो सकता है। अब एक लाइन ये मेरा ये है, सेकंड वाला ये है, और थर्ड ये वाला है, ये बड़ा वाला इधर आएगा। ऐसा। अब हमें इनको पेस्ट कर देना है पीछे, जब ये थोड़ा टाइट होएगा उसके बाद हम इसको घुमाकर पीछे की तरफ पेस्ट करेंगे। मैंने पीछे इसको उल्टा करके पीछे की बैक साइड में ग्लू लगाया है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। लाइन बिल्कुल सीधी रखनी है इस तरीके से।
इसमें अगर हम थोड़ा कम ग्लू भी लगाएंगे तो चलेगा? इस तरीके से तीन लाइन बनी मेरे पास। अब हम चेक बनाने के लिए स्टैंडिंग बनाएंगे इस तरीके से। इसको कट कर लेंगे लास्ट कॉर्नर को। ऐसा अभी हमको ग्लू नहीं लगाना है, पहले हम कट करके रखेंगे उसके बाद ग्लू लगाएंगे सब में एक साथ, ताकि अगर हमें इधर उधर खिसकाना पड़े तो निशान नहीं होगा चिपकाने का। अब हमें यहाँ पे पेस्ट करना है 1 2 और 3 चेक्स यहाँ पे बने। एक्स्ट्रा को आप अंदर फोल्ड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये जो बीच में वाला जगह है, बीच वाली जगह है, इस पे हमें लेस लगानी है इस तरीके से। इसको यहाँ पेस्ट करेंगे पहले। गोटा और लेस में ये फर्क होता है कि गोटा बिल्कुल प्लेन होता है ऐसा, और लेस थोड़ा डेकोरेटिव डिजाइन में होती है। जैसे कि ये है लेस, इसको लेस बोलेंगे, इसको गोटा बोलेंगे। एक लेस ये वाली है जिसमें कोई डिजाइन होगी वो लेस, उसको लेस बोलेंगे, और जो बिल्कुल प्लेन होगा वो गोटा होगा। तो हम इसको चिपकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तीनों को बराबर दूरी पे रख लें मार्किंग के लिए, फिर हम पेस्ट करेंगे। ऐसा इसको किसका सकते हैं। अब इसको हमें पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम सेंटर वाले को चिपकाते हैं। सेंटर का ये वाला है शायद, हाँ ये सेंटर में। इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं डॉट डॉट लगाकर, और इसको खाली यूं चिपका सकते हैं। ऐसे डॉट लगाया और इसको यूं चिपका दिया। अभी हमें ये ध्यान रखना है लाइन हमारी बिल्कुल सीधी होना चाहिए चिपकाने वक्त।
इस तरीके से। अब हमें इसके यहाँ पर चारों तरफ लेस से कवर करना है, तो मैं ये लेस ले रहा हूँ। सीधा ही है ये, ऐसे सीधा है। तो पहले इसकी नाप की हम लोग कट कर लेते हैं। कल आप जब लोग कंप्लीट कर लेंगे तो इसको हाथ में आपको होल्ड करके फोटो भी पिक करनी है, खींचनी है, और उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको पोस्ट करनी है। कल हमें एक और बिजनी डेकोरेट सर करेंगे वो वो। हाँ व्हाट्सएप पे नहीं जी, भेजनी है, हम एक फीडबैक फॉर्म भेजेंगे। हाँ सर, एक सर्विस सर आपको भी एक फॉर्म भेजेंगे, फीडबैक फॉर्म, उसमें आपको सबमिट करानी है वो, और सभी को जरूरी है वो कराना। आप इतना सुंदर काम करेंगे तो सबको मालूम होना चाहिए कि आपने क्या किया है। अब हमें यहाँ से कट कर देना है। ये हमारा एक साइड आज कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको चिपकाने का बहुत सिंपल तरीका ये है कि आपको इसको बिल्कुल सफाई से, नीटनेस से कैसे चिपकाएंगे। पहले हम ग्लू, ये क्या, फैब्रिक ग्लू को पहले हम एक बार ऐसे लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब ये हाफ ड्राई हो जाएगा तो हम इसके ऊपर ये जो लेस है उसको चिपका सकते हैं। इससे भी बार बार में उतरेगा भी नहीं और एक बार में बिल्कुल सही सही तरीके से लग जाएगा। इस पे थोड़ा आपको गम ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये कपड़ा है, मतलब नीचे रिबन है और ऊपर गोटा है। इन दोनों के गैप में आपको ग्लू लगाना है और इसको थोड़ी देर वेट करना है। तब तक हम लोग ये बीच वाले पार्ट को डेकोरेट करते हैं। इसके लिए मेरे पास ये मिरर्स हैं। आपके पास जो भी हो आप लगा सकते हैं। आप सबको क्लियर दिख रहा है वीडियो सर्विस सर? हाँ दिख रहा है सबको? ओके ओके ओके, थैंक यू यस थैंक यू। अब हमको ये डेकोरेट करना है यहाँ से। आपके पास जो भी अवेलेबल है, कुंदन हो या राखी के, क्या बोलते हैं इसको, राखी से जो निकलते हैं बीच में सुंदर से डेकोरेशन डेकोरेटिव से, वो लगा सकते हैं। या आपके पास बूटियां होती है वो भी आप लगा सकते हैं, या मिरर है तो आप वो भी लगा सकते हैं। ये सबसे अच्छा गिफ्ट ही होगा देने के लिए। अगर आप इसके अंदर इत्र जो होता है, परफ्यूम जिसको बोलते हैं, आप इसमें रुई में भिगोना और इसके बीच बीच में कहीं से कहीं कहीं छुपा देना। फिर आप जिनको आप गिफ्ट करेंगे तब इसमें हवा कर उससे अब वो हवा करेंगे तो इसमें बड़ी खुशबूदार हवा निकलेगी, वो आपको बहुत 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 उनको अच्छा लगेगा आपका गिफ्ट। अब हम ये लेस लगाना शुरू कर रहे हैं। सेम ऐसा हमें बैक साइड में भी करना है, पर वो हम अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर अभी हमने इसको पीछे किया तो ये सब कुछ निकल जाएगा। तो थोड़ा वेट करेंगे, हम लोग कल कर सकते हैं ये काम। देखो ये मैंने काटा था वो तो छोड़ दिया, एक दूसरे लगा दिया। इसको हमने यहाँ से कट करना है। क्लास खत्म करें सर अभी या थोड़ा चले? ठीक सर ये अभी हो गया आज का, तो फिर हम लोग कल शुरू करेंगे सर। कल हम आपको बताएंगे कि बैक साइड वाला करेंगे और एक तरीका और